सर आपकी जानिब पे आएंगे, जिस तरह से फॉलो अप किया गया और जिस तरह से क्रिमिनल को पकड़ा गया, खुदकुश बमबार को, जो भी वहाँ पे सिनेरियो रहा, उसमें पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे अक्सर औकात, जिससे अभी आप पहले ही जिक्र कर रहे थे, सवालात भी उठते हैं जब भी कोई ऐसा वाकया होता है। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जब पुलिस ऑफिसर्स, चाहे वो कैप्टन अहमद मुबीन हो या जाहिद गोंदल साहब हों, इनकी कारिश को देख कर पुलिस के जो अफसरान हैं उनके भी जो माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जब भी कहीं कोई ऑपरेशन होता है, आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीथिंग, जब भी कहीं कोई ऑपरेशन होता है, इराक में कोलैटरल डैमेज हो जाए, 500-500 बंदा मर जाए, कोई नहीं बोलता। अफगानिस्तान में 500-500 बंदा मर जाए, कोई नहीं बोलता। 200-200 बच्चे स्कूलों में एरियल बम्बार्डमेंट में चले गए, कोई नहीं बोला। इसी तरह आप चले जाएँ किसी बहुत सारे ममालक में, जहाँ भी कोई इस तरह का ऑपरेशन होता है, अमेरिका में हुए हैं बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें वो 4-4 साल का बच्चे उन्होंने वो कर दिए उसमें, तो वो सारा एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे अगर एक इंसिडेंट हो गया तो पूरे पुलिस के महकमे को हर तरफ हमारी सारी कुर्बानियाँ साइड पर रखती और हर बंदा तनकीद कर रहा है, जैसे ये शायद हमारी पाकिस्तान की पुलिस नहीं, शायद हम इंडिया से लेके आए हैं। यकीन कीजिए, आप कभी इन बच्चों के साथ जाके उनसे पूछिए, आप जिस तरह अभी डीआई साहब ने, राजा रिफत साहब ने बात की है कि एक बंदा जो बाबू साबू चौक पे खड़ा है, सेट पे अनाउंसमेंट होती है कि LZE 1 2 3 4 5 क्रोला वाइट कलर, इसमें खुदकुश बम्बार है, और उसको पता हो कि इसमें खुदकुश बम्बार है, तो वो उसके बावजूद खड़ा होकर उस गाड़ी को हाथ दे के रोक ले, तो उसको पता है कि मेरे साथ क्या सलूक होने वाला अगले लम्हे में। तो ये उस सिपाही की जरूरत है, ये उस ऑफिसर की जरूरत है, और ये 30,000 की तनख्वाह से नहीं आती, ये यहाँ से दिल से आती। और जब ये आप फेस करते हैं, मुझे याद है, मुझे इस तरह के जनाजों पे जाने का इत्तेफाक हुआ, जहाँ एक क्वेटा से एक हमारे ऑफिशियल की इसी तरह शहादत की, उसकी डेड बॉडी आई, मैं बहावल नगर में था, वहाँ मैं जनाजे पे गया, तो मैंने कहा मैं अभी इनके घर जाऊँगा। मैं घर गया तो यकीन कीजिए, एक बच्ची को 12 साल की, एक बच्ची को 8 साल की, और एक बच्ची उसने को शायद हार्डली को जो है ना 1.5 साल की उसने कंधे से लगाई। वो बच्चियों को देख के वो एक मीडिया वाला कहा, मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिया, मैं कहा यार मैं यहाँ नौकरी बनाने के लिए नहीं आया, 3 दिन बाद ईद है, ये बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे कि मेरा बाप हमारे लिए मेहंदी लेके आएगा, ये बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे कि मेरा बाप हमारे लिए कपड़े लेके आएगा, इसकी माँ ने इनको लारा लगाया होगा कि 2 दिन ठहर जाएं, आपके बाबा तनख्वाह लेके आते हैं तो आपको ईद की शॉपिंग करवाएंगे। इनको मैं क्या जवाब दूं कि मैं आपके बाप को मनोमट्टी के नीचे दबा के आया हूँ? आई उस बच्चे का दर्द संभालें, उस बच्चे का दर्द समझने की कोशिश करें, फिर हमें एहसास होगा कि जब पुलिस वाला खड़ा होकर गोली खाता है ना, उस गोली की आवाज़ कहीं नहीं आती, उसके पीछे कोई एहतजाज नहीं होता कि एक पुलिस वाला शहीद हो गया, उसके पीछे कोई मीडिया की, सोशल मीडिया के लोग और वो जो टाइकून और वो जो बड़े बड़े नाम हैं हमारे NGOs हैं जो बातें करती हैं इंसानी हकूक के अलमबरदारों की, वो कहीं नहीं आती कि ये पुलिस वाला चौक में शहीद हो गया डाकुओं की गोली, इसके बच्चों के साथ क्या सलूक हुआ। आए उस पुलिस वाले की भी कदर करने की कोशिश करें और उसके बच्चों को सैल्यूट करें कि जिस जो बच्चे यतीम हो गए, जो अजवाज जो हैं वो बेवा हो गए, जो माएँ जो हैं उनके सहारे चले गए, जो बाप जिनके बाजू कट गए उनको सैल्यूट करें कि जिन्होंने आपकी जान बचाने के लिए और इस पाकिस्तान को बचाने के लिए इस धरती को अपना खून दिया है, उसको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे तो हमारे मसाइल हल होंगे, अदरवाइज मसाइल, उस दुख को महसूस करेंगे तो हमारे मसाइल हल होंगे। ये ना पैसों की कंपनसेशन से हल होते हैं, ये ना वक्ती तौर पर साल में एक दिन मनाने से हल होते हैं। मैं एक दिन की कब्र पर चला गया हूँ तो मैं क्या दें? मैं वहां जाके सलाम कर रहा हूं तो मैं क्या दे रहा हूं? मैं कुछ नहीं दे सकता उनको, मैं सिर्फ सलूट कर सकता हूं और मैं दुआ कर सकता हूं कि या अल्लाह मुझे हिम्मत दे और इस मुल्क के तमाम वासियों को हिम्मत दे। हम उनका एहसान नहीं जो है ना चुका सकते, जो उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है, पाकिस्तान के ऊपर एहसान किया, हम उसको बदला नहीं दे सकते, हम सिर्फ उनको सलाम कर सकते। बिल्कुल कैप्टन साहब, जिस जज्बे का आप जिक्र कर रहे हैं ना, एक उसकी आंखों देखी मिसाल है। जब जाहिद गोंदल साहब शहीद हुए तो उस वक्त के DIG डॉक्टर हैदर अशरफ साहब थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप उसके घर जाएं, उसके बच्चों को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो इस दुनिया में नहीं है। मैं खुद उनके घर गया तो वो बच्ची, एक उस वक्त उसकी 3-3.5 साल उम्र होगी, तो उसका उनका घर का जो मुलाजिम था वो मुझे साइड पे ले जा के तो कहता है आपने इनको नहीं बताना, तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते नहीं पता, वो ना अभी तक वो मान रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो जाहिद गोंदल साहब की बेटी है
ये रोज़ाना 25 फ़ोन करती है ऑपरेटर को, एसएसपी लाहौर का जो ऑपरेटर है उसको फ़ोन करती है और क्या कहती है, मेरी पापा से बात करवा दो। और ऑपरेटर जो है ये फिकरा ये बात सुन के रोता है और इधर उधर से पूछता है कि मैं इस बच्ची को क्या कहूँ, कि कहाँ से मैं इसकी पापा से बात करवाऊँ। और यही रोज़ाना की बुनियाद पर उसने बताया कि ये हो रहा है और उन बच्चियों को नहीं पता, फिर पता नहीं उनको कैसे पता चला होगा, आज भी उन्हें यकीन आया होगा कि नहीं आया होगा।